तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी दिल्ली में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली पंथ मार्ग पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। कार्यकारिणी समिति की बैठक का उद्घाटन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विनय सचदेवा ने किया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी दिल्ली में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी है। बीजेपी एक के बाद एक लगातार मीटिंग कर रही है। दिल्ली पंथ मार्ग पर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। कार्यकारिणी समिति की बैठक का उद्घाटन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन सचदेवा ने किया। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष सागर त्यागी ने की। बीजेपी की कोशिश है कि इस बैठक में जो लोग पहुंचे वो सभी जनता के बीच जाए और उनकी परेशानियों को सुने। कार्यकारिणी समिति की बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और ये सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। बैठक का उद्देश्य ये भी था कि बीजेपी से जुड़े सभी लोग दिल्ली की जनता के बीच ग्राउंड पर पहुंचे और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करें, जिससे कि दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट कर सके। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता वोट ना दे, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेन सचदेवा लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो दिल्ली की जनता के बीच में पहुंचे और उनकी परेशानियों को सुने और दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट दे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली की सत्ता पर इस बार कौन राज करता है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरा पर्सन हरीश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।